स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट स्कूल। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ इंडिया के चार्ट्स की जो कि आपके सामने है। ये डेली चार्ट है दोस्तों, डेली लगातार हम देख रहे हैं इसमें। ये 27 मई को इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जो हाई बनाया था वो हाई टूट नहीं रहा है। कल इसने हाई तोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन क्लोजिंग ठीक उसके नीचे दी है और आज भी ठीक ऐसा ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन रही है, तो आने वाले दिनों में इस स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आज आगे के स्टॉक की हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे लिस्ट में आया है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो लिस्ट में आया है, कभी मैं आपको एक रीजन सही तो कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो ट्रेडिंग करने में। देखिए दोस्तों मैंने इसको बनाया है डेली चार्ट पे, हम देख रहे होंगे जब भी ये आया है या तो इसने 168 पर सपोर्ट लिया है या 168 पर इसने रेजिस्टेंस लिया है। यह इसे देखना स्टार्ट किया दोस्तों, यहाँ से भी देख सकते हैं आप 3 जनवरी 2019 से यहाँ से सपोर्ट लेकर आया, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहाँ आया, फिर ये सपोर्ट लिया वापस इसने 28 मार्च को, फिर अगेन इसने सपोर्ट लिया 15 मई को और फाइनली इसने तोड़ दिया और अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल मार्केट ओपनिंग में अगर ये 168 के ठीक नीचे का काम करने लग जाता है दोस्तों तो हमें इसको सेल कर देना है एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ, और अगर इसके ऊपर जाता है तो बाई कर सकते हैं। अब आगे कुछ स्टॉक से एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको देखता हूँ इस कंपनी में क्या गलत हो रहा है क्या हो रहा है। सारे इसने टेक्निकल तोड़ दिए हैं, कुछ भी चीज़ें इसमें समझ नहीं आई, लगातार लो पर लो लगाए जा रहे हैं, तो उससे सलाह बच के रहिएगा। अगला स्टॉक से कुछ काम आज इसका स्टॉक में देखिए कुछ आज इसका एक ट्रेंड लाइन क्या है वो उसके नीचे क्लोजिंग से चल रही थी, एक बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो फाइनली इसको तोड़ दिया, इसको आप रेक्टेंगल कह सकते हैं। कल पे आप ध्यान रखिएगा ये डेली चार्ट से उसको सील्टेक में भी आज कुछ रुका है देखने में आज खैर रुका है उसमें सील्टेक में भी इसने आज इसके सपोर्ट तोड़ दिए हैं और ये 1049 पे क्लोज हुआ है। बैंकिंग स्टॉक आपको देखता हूँ आपको चीज़ें समझ पाएंगे उसमें से। यहाँ पे SBI इसीलिए स्टॉक हो रही है, दिखाया गया इसने 27 मई को एक दिन ऊपर जा क्लोजिंग किया, दूसरे दिन वापस नीचे आकर क्लोजिंग दिया, कुछ आया है इसने तो 440-445 की रेंज में काम कर रहा है। इतने को 39 के साथ इसने क्लोजिंग दी है, कल भी 440 के नीचे अगर ये काम करता है तब हम उसको शॉर्ट के लिए रख सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों हम बात करेंगे सेल की। सेल की लगातार डिफाइन जा रहे हैं सपोर्ट से काम करेंगे।